हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपका भी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्लूटूथ कनेक्ट प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। तो यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपने फोन में ब्लूटूथ को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने फोन में सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ का ऑप्शन ऊपर में ही आपको मिल जाता है। तो ब्लूटूथ पे क्लिक कर लेंगे, देन यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे जितने भी आपके आसपास के जो ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे ब्लूटूथ कई बार क्या होता है कि हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं ये एक डिवाइस है, तो यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो ये कनेक्टिंग ही लिखता है और कनेक्ट जो है बिल्कुल भी नहीं होता है। देख सकते हैं कनेक्टिंग लिखा हुआ है और ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देख सकते हैं कनेक्ट नहीं हुआ। तो इसे ठीक करने के लिए आपको ये आई का जो निशान दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार आपको क्या करना है, यहाँ पे अनपेयर आपको एक बार करना है, इसको अनपेयर करना है। उसके बाद आपको कनेक्ट करके वापस से देखना है। उसके बाद फिर से आपको पेयर करके कनेक्ट करके देखना है। जैसे नीचे ये एक डिवाइस आ रहा है तो इस पर हम क्लिक करके इस पर कनेक्ट करते हैं। अब ये पेयरिंग के लिए बोल रहा है, तो वापस से आपको पेयर करना है और वापस से आपको जो है कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे मैंने पेयर किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिवाइस है वो अब कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ से। तो इसी तरह से जो है आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के जो कनेक्टिंग प्रॉब्लम है इसे आप ठीक कर सकते हैं।